FPS, CPU, GPU, temperature, जो भी है यार, सब कुछ मेरे को ऊपर साइड में यार शो करना है, क्योंकि मेरे को देखना है यार मेरी हार्डवेयर की औकात क्या है, या फिर मेरे को बनानी है रिव्यू वीडियो, लेकिन यार करना कैसे है ये तो बता। वेल, क्यों नहीं बताएंगे यार, जरूर बताएंगे। तो चलो यार, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, जल्दी से चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। बड़ी, अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि अपने पीसी में ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर। उसको ओपन कर लेने के बाद तुम्हें सर्च करना है गूगल पे MSI आफ्टर बर्नर। इसको सर्च कर लेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको MSI आफ्टर बर्नर को डाउनलोड कर लेना है। ये 52-58 MB का होगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली इसको डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेना, मैंने किया है तो मैं नहीं करूंगा। तो आपने पहला स्टेप कर लिया है, पहला स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, MSI आफ्टर बर्नर को ओपन करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपका GPU, CPU यूसेज जो भी सब दिखाएगा, लेकिन आपको इसको मतलब इग्नोर करना है। आपको सिंपली साइड में जो सेटिंग का बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे टॉप पे आपसे सबसे पहले पूछेगा GPU, अगर आपका डेडिकेटेड है तो वो सिलेक्ट कर लो, अगर इंटीग्रेटेड है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका डेडिकेटेड है तो आप डेडिकेटेड ही सिलेक्ट करना। ये कर लेने के बाद आपको सिंपली मॉनिटरिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो सभी नाम शो कर देगा, लाइक GPU टेम्परेचर, CPU टेम्परेचर और फ्रेम रेट भी एंड में आपको दिख जाएगा। मतलब जो आपको शो करना है आपको यहाँ पे सभी नाम दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि तो काफी नामों के आगे लगी है, लेकिन जिसके आगे इन OSD लिखा है सिर्फ वही आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी, मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। बट अगर आप गिनी चुनी चीजों को ही मॉनिटर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की ऑप्शन मिल जाएगी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऑन स्क्रीन डिस्प्ले आपकी शो होने लग पड़ेगी और यहीं पे क्लिक करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है टिक लगी होनी चाहिए। अब ये सब कर लेने के बाद आपको सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है और टास्क बार में आपको साइड में एक और एप्लीकेशन मिलेगी टनल करके, आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है ना ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ये मेरा ऑन है, शायद आपका ऑफ हो, आपको इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, साइज बड़ा छोटा करना है लेटर नंबर का तो आप कर सकते हैं, बाकी इसको मिनिमाइज कर देना, आफ्टर बर्नर को भी मिनिमाइज कर देना और यहाँ पे आपका काम खत्म। अब आपको सिंपली अपनी गेम को ओपन करना है और आपके ऊपर स्टैट शो होने लग पड़ेंगे जैसे कि मेरे हो रहे हैं। बट आप ध्यान में रखना कि आपको पीछे बैकग्राउंड में इन दोनों चीजों को बंद नहीं करना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक खेलिए, सायोनारा।